कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में आज 12 घंटे में ही दूसरे कत्ल की घटना सामने आ गई। नाई की दुकान पर मायो नगर में बाल कटा रहे समीर की आज सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीते दिवस समीर की अमीरुद्दीन से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। नूर गार्डन कॉलोनी निवासी समीर को गोली लगने के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हत्याभियुक्त की KS बाइक सर्विस सेंटर है। हत्या के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास के CCTV को खंगाला जा रहा है। पुलिस ने अमीरुद्दीन के घर पर भी दबिश दी, लेकिन वह भाग निकला। मेरठ में एकाएक आई आपराधिक घटनाओं की बाढ़ से जनमानस में असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है। देखिए, क्या नाम है आपका? तालिब। तालिब, क्या हुआ आज? आज भैया सेव कराने गया था, दाली बनाने, नाई की दुकान में करा है, उसके साथ मारी है गोली। किसने गोली मारी है? अमीरों ने। कुछ विवाद था? विवाद पता नहीं, कोई पुराना विवाद हो? पता नहीं। तुम्हें कुछ बताया नहीं उसने? नहीं, लड़ाई वड़ाई हुई पहले कभी? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। कितने भाई हो? हम भाई हैं 5। कौन से नंबर? बड़ा था छोटा था? तीसरे नंबर का। इस बारे में SP सिटी आयुष विक्रम सिंह ने फर्स्ट बाइट TV को यह जानकारी दी। एक युवक को गोली मारी है नाई की दुकान पर, क्या है पूरा मामला बताते हैं? देखिए, थाना लोही नगर फतेहुल्लापुर में एक हेयर ड्रेसिंग दुकान पर एक समीर नाम का व्यक्ति था, वो अपने बाल कटवा रहा था। उसमें एक अमीरो नाम के व्यक्ति ने उसको गोली मारी है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि कल इनकी आपस में कुछ खास सुनी हो गई थी, इनका जिसको लेके आज ये जो अमीरुल राम का व्यक्ति आया था उसको बाल काटा था, जिसमें उसको गोली मार दी गई है। जो घायल था उसको उपचार हेतु तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इसको पकड़ने जो अमीर उसको पकड़ने के लिए हमने टीम लगा दी गई है और CCTV कैमरा वगैरह से फुटेज चेक किया जाएगा तथा इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।